जय हिंद, जय भारत। नौजवान साथियों, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के फोन और कमेंट आ रहे हैं कि सर, ट्रेडमैन में मेरी हाइट कम है, क्या मेरी हाइट पूरी हो जाएगी, क्या सर रस्सा चढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों का अभी फिजिकल बाकी है उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर, क्या आप एक महीने में सिलेबस पूरा करवा दोगे, क्या सर हम क्लास लगाने आए कि या नहीं आए। बहुत सारे डाउट्स हैं, दिन के अंदर 200-250 फोन आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडमैन की। फायरमैन का आपको पता है फिजिकल हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले फायरमैन का फिजिकल हो चुका है। फायरमैन के अंदर 3200 से लेकर 3400 बच्चों ने लगभग क्वालिफाई किया है, और आपका एग्जाम हो लगभग 14 मई की डेट फाइनल हुई है, तो आपका एग्जाम होना है। तो आप घर मत बैठो, तैयारी में जुट जाओ, पहली बात। दूसरी बात भाई, ट्रेडमैन मेट के लिए, ट्रेडमैन मेट के अंदर फिजिकल के अंदर सिर्फ दो ही चीज होती है। क्या होता है? एक आपका दौड़ होता है 1500 मीटर का। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 1600 का होता है, 1600 का नहीं होता भाई, 1500 मीटर का दौड़ होता है, और 6 मिनट टाइम मिलता है। तो अभी जो ग्रुप है लगभग 50 बच्चों का ग्रुप बन रहा है, और लगभग लगभग 30 से 35 बच्चे पास हो रहे हैं। अब बात करते हैं वेट की। दूसरा है इसके अंदर, जो दूसरा फिजिकल के अंदर क्राइटेरिया है वो है कि आपने वेट उठा के दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 50 केजी। फायरमैन के अंदर है 63 केजी और ट्रेडमैन मेट में 50 केजी। तो तकरीबन बच्चे वेट में भी पास होने लग रहे हैं। वेट खुद उठाना है भाई। जैसे आपके सामने कट्टे रखे होंगे, बोरी रखी होंगी, जैसे ही आप नीचे साइड में झुकोगे विसल बज जाएगी, और उसी टाइम आपका टाइम शुरू हो जाएगा। यानी टाइम उठाना, बोरी को उठाना, कंधे पे रखना, दौड़ना, और जब उठाना शुरू करोगे तब से आपका टाइम शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूं जिन बच्चों का पास हो गया उनके लिए मुबारकबाद है, आप एग्जाम की तैयारी करिए। और जिन बच्चों का पास नहीं हुआ है वो नेक्स्ट भर्ती के लिए या दूसरी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है उनके लिए तैयारी करिए। और जिन बच्चों का बाकी है, ठीक है, वो बच्चे तैयारी में जुटे रहो, और जो हमने वीडियो बनाई है वेट उठाने की, उस वीडियो को देखो। अच्छी सही तरीका हमने फॉलो किया उस वीडियो के अंदर कि वेट उठाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। गर्ल्स भी उस तरीके से आराम से वेट उठा सकती है, ठीक है। अभी जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो तकरीबन जो अभी 50 का ग्रुप है उसमें 30 से 35 बच्चे पास होने लग रहे हैं, और 2 से 3 या 4 बच्चे ही आपके वेट में फेल होने लग रहे हैं। तो अभी अच्छे बच्चे ट्रेडमैन में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे पास होने लग रहे हैं, फायरमैन में कम हुए थे। जैसे फायरमैन में फेस्ट वाले दिन जब ये हुई थी गर्ल्स की, तो कई स्टेशन की, जैसे हमने कानपुर की बताई थी और हमने इसकी आपको इलाहाबाद की बताई थी, कि वहां पे एक भी गर्ल्स पास नहीं हुई थी, किसी से वेट उठा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेडमैन में गर्ल्स भी वेट उठाने लग रही हैं, और रिटर्न के अंदर भी इसमें फायरमैन की बजाय ट्रेडमैन में टफ कंपटीशन होना है। कुछ ज्यादा बच्चे पास करेंगे तो ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडमैन में, फायरमैन में, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है फिजिकल का। रिटर्न के अंदर कोई ज्यादा सा डिफरेंट नहीं है। रिटर्न की लगभग डेट आपकी आ चुकी है 28 मई, ठीक है, ट्रेडमैन की। फायरमैन की 14 मई। तो अभी समय है सिर्फ जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है, ठीक है, तैयारी करने का। और कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम पास हो गए लेकिन हमारे कुछ बता नहीं, आपकी मेल के ऊपर आएगा भी, ठीक है, आपकी मेल के ऊपर आएगा जिसमें ये बता दिया जाएगा कि आपने वहां पे एग्जाम के लिए इस तारीख को पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर कि जो जहां पे फिजिकल हो रहा है क्या वहीं पे हमारा रिटर्न होगा? ऐसा नहीं है। आपको पता, रिटर्न में कम पब्लिक होती है और
फिजिकल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो जो रिटर्न होगा वो दो चार जगह ही आपकी मेन मेन लोकेशन बता दी जाएगी, वहां पे आपका रिटर्न होना है। ठीक है, तो जैसे पंजाब में कई लोकेशन थी, तो हो सकता है एग्जाम के टाइम में एक ही जगह बता दे कि यहाँ पे आपका एग्जाम होना, ऑफलाइन एग्जाम होना है। और पेपर इसका टफ होता है भाई, तैयारी नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली है, इसलिए तैयारी में जुट जाओ। और आज इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था मेरा बनाने का कि जो आज मेरे पास फोन कॉल आए हैं कि सर मेरी हाइट 164 है लेकिन क्या ट्रेडमैन में फिट हो जाऊँ, ट्रेडमैन में हाइट मांगते ही नहीं है भाई, आपकी 64 है, 63 है, 62 से इसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ दौड़ लगानी है और वेट उठाना है। बहुत सारे बच्चे सर डॉक्यूमेंट क्या लेके जाएं, तो डॉक्यूमेंट जो लेके जाने हैं, जो आपने जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था, जिस फॉर्म अप्लाई किया जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, वही डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। कई बच्चों के थे कि सर मैं डॉक्यूमेंट में नाम में स्पेलिंग में चेंज है, मेरे ये चेंज है, तो आज मेरे पास सुबह फोन आए कई बच्चों की, सर मेरे नाम में स्पेलिंग में चेंज था लेकिन अब वो मेरे को नहीं निकाल रहा, मैं फिट कर दिया उनने। तो जो छोटी मोटी जो दिखते हैं वो फिट हो जाएंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, आप सिर्फ ध्यान दो कि फिजिकल करना है, रिटर्न की तैयारी करनी है और रिटर्न क्लियर करना है और AOC के अंदर भर्ती होना है। मेन चीज ये है, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, नौजवान साथियों, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, लगन से करिए, दिल से करिए, ठीक है, और कल पे मत छोड़िए, आज ही अभी शुरू करिए, ठीक है। और आपको पता है जीनियस मिलिट्री एकेडमी ने YouTube के ऊपर अपनी क्लास डाल रखी है और टीचर का इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो आपको आशा करता हूँ अच्छे, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे लगे होंगे, हमारी क्लास भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो एक महीने की बात है, ऑनलाइन के चक्कर में मत बैठिए, ऑफलाइन आइए यहाँ पे और दिन रात मेहनत कराएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। हम भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप मेहनत करिए और आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।